हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे इस टेक्निकल मेहताब यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका दोस्त मेहताब आलम। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं वीपीएन के बारे में कि वीपीएन क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसे हम कैसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। और सबसे अहम सवाल ये कि कौन सा वीपीएन यूज करना सही होगा, क्योंकि इसके भी प्रोसेस कौन से, यानी इसके भी फायदे और नुकसान दोनों हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इसके ज्यादातर फायदे ही हैं, मिसकंसेप्शन ना हो इसलिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो बिना वक्त जाए किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहता हूं। जरूरी बात यह है कि आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इतना कि आप वीडियो देखते देखते खो जाएंगे और ऐसे में आप हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। इसलिए जल्दी से हमारे इस टेक्निकल मेहताब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। खैर, हम मुद्दे की बात करते हैं। आज का मुद्दा हमारा वीपीएन के बारे में कि वीपीएन क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि वीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। खैर, हम इसे और आसान से भी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप सभी लोग समझ पाए और इसका फायदा ले सके। देखिए, वीपीएन जो है ये एक तरह का नेटवर्क होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी कंपनी का सिम कार्ड यूज करते हैं, लाइक एयरटेल, जियो, वीआई, बीएसएनएल वगैरह, या फिर आप वाईफाई डोंगल राउटर वगैरह यूज करते हैं, या फिर आपने कोई भी कनेक्शन लिया हुआ है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए अपने स्मार्टफोन या अपने कंप्यूटर में, तो जैसे आप गूगल के सर्च बार में टाइप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने टेक्निकल मेहताब लिखकर सर्च किया, तो सबसे पहले ये रिक्वेस्ट ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को जाएगी, यानी आप जो भी कंपनी का सिम कार्ड यूज करते हैं उसके पास ये रिक्वेस्ट जाएगी। मान लीजिए आप एयरटेल कंपनी का सिम कार्ड यूज करते हैं, तो एयरटेल के पास ये रिक्वेस्ट जाएगी कि आपने टेक्निकल मेहताब लिखकर गूगल में सर्च किया। फिर एयरटेल कंपनी क्या करेगी कि आपके रिक्वेस्ट को, आपके किए गए सर्च को गूगल के सर्वर तक पहुंचा दिया। फिर गूगल समझ जाता है कि आप टेक्निकल मेहताब की वीडियोस देखना चाहते हैं, फिर गूगल आपको मेरे वीडियोस की लिस्ट दिखाने लग जाता है। अगर हम बात करें यूट्यूब की, तो यूट्यूब का भी बिल्कुल सेम फंडा है। अगर आप यूट्यूब के सर्च बार में टाइप करेंगे टेक्निकल मेहताब, तो यूट्यूब पे भी आपको मेरे वीडियोस की लिस्ट दिखाने लग जाएगा। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आपने कोई भी कनेक्शन लिया हुआ है, आपका सर्विस प्रोवाइडर चाहे जो भी हो, कोई भी टेलीकॉम कंपनी हो, उनके पास पूरा राइट है किसी भी साइट को ब्लॉक करने का। जैसे हमारे गवर्नमेंट्स ने जितनी भी गंदी गंदी वाली जो साइट थी, उन साइट्स को ISP से कहकर, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कहकर बैन करवा दिया है, यानी बंद करवा दिया है। बट फिर भी लोग VPN की मदद से उन गंदी गंदी साइट्स को सर्व कर रहे हैं और वीडियोस देख रहे हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पर अब सवाल यह उठता है कि जब लोग VPN की मदद से उन साइट्स को सर्व कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, गंदी गंदी वीडियोस देख रहे हैं, तो क्या हमारे टेलीकॉम कंपनी को पता नहीं चलता है जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है, जो हमें इंटरनेट देता है, या फिर क्या हमारे गवर्नमेंट को पता नहीं चलता है? तो मैं आपको बता दूं कि जी नहीं, बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। हम इंटरनेट पे जो भी चीजें सर्च करते हैं, वो सारी चीजें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को पता होती है। लाइक अगर आप एयरटेल का सिम कार्ड यूज करते हैं, तो एयरटेल को सारी चीजें पता है, आपने जो भी चीजें सर्च किया हुआ है या फिर आप जो भी चीज सर्च कर रहे हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि सारी चीजें एयरटेल को पता कैसे चल जाती है? तो मैं आपको बता दूं कि आईपी एड्रेस है। अब आप सोचेंगे कि ये आईपी एड्रेस क्या वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये फोन की आइडेंटिटी होती है, फोन की पहचान होती है, लाइक वोटर आईडी कार्ड। जैसे इलेक्शन के टाइम में वोट देने के लिए वोटर आईडी कार्ड की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आईपी एड्रेस की जरूरत होती है कि भाई ये बंदा, ये पहचान का बंदा ये चीज सर्च करना चाह रहा है। तो ऐसे केस में क्या है कि आईपी एड्रेस के जरिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को पता चल जाती है जो भी चीजें हम सर्च करते हैं। लेकिन वीपीएन क्या करता है कि वीपीएन जो है वो आईपी एड्रेस को ही चेंज कर देता है, इवन लोकेशन को भी। मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। इस बार सब लोगों ने आईपीएल देखा था, तो मैंने क्या किया था कि आईपीएल को फ्री में देखने का तरीका बता दिया था। वो ऐसे जैसे प्ले स्टोर पे बहुत सारे वीपीएन सर्विस अवेलेबल है, तो मैंने UFO VPN नाम का एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया था और फिर US के सर्वर से कनेक्ट किया था। उसके बाद फिर आईपीएल देखने वाली जो साइट है उन साइट पे विजिट किया तो आईपीएल चलने लगा। या फिर आप कोई भी ब्लॉक किए हुए साइट पे विजिट करते हैं तो वो साइट ओपन हो जाएगी, चाहे वो गंदी वाली साइट ही क्यों ना, बट आपको वो साइट ओपन नहीं करना है। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि आईपीएल देखने वाली जो साइट है वो इंडिया में बैन है पर US कंट्री में नहीं, या फिर किसी और कंट्री में नहीं। तो मैंने क्या किया था कि VPN की मदद से अपने कंट्री के लोकेशन को चेंज करके US कंट्री में स्विच किया था, जिससे मेरा आईपी एड्रेस तक चेंज हो गया था। अब क्या है कि टेलीकॉम कंपनी को पता नहीं है कि मैं इंडिया में हूं, उसे लगा है कि मैं US में हूं, क्योंकि मेरा लोकेशन चेंज हो चुका है और आईपी एड्रेस भी, और US कंट्री में
आईपीएल देखने वाली जो साइट है वो बैन नहीं है। तो यही तरीका मैंने अपने वीडियो में बता दिया था, जिससे मेरे वीडियो के व्यूज काफी तेज से इंक्रीज हो रहे थे। फिर आईपीएल वालों की नजर मेरे वीडियो पे पड़ी तो मेरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक देखकर वीडियो को डिलीट करा दिया। आपको बता दें कि आईपीएल के ऊपर मैंने दो वीडियो बना रखे थे कि आईपीएल को फ्री में कैसे देखें। एक तो ऑलरेडी उन्होंने स्ट्राइक देकर वीडियो को डिलीट करा दिया था, इसलिए मैंने दूसरे वीडियो को खुद से ही डिलीट कर दिया था। हालांकि आईपीएल वालों ने मेरे वीडियो को डिलीट करा है, पर मेरा तरीका नहीं, तरीका अभी भी मेरे पास बहुत सारे हैं। खैर हम आईपीएल की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे वीपीएन की, कि वीपीएन एक बहुत ही अच्छा तरीका है नेटवर्क को सुरक्षित रखने के लिए और अपने पर्सनल डेटा को भी, ताकि हैकर्स लोग आपके डेटा को चोरी न कर पाए। आपको बता दें कि वीपीएन का यूज उन लोगों के लिए है जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, जैसे सरकारी एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस या कॉरपोरेशन। वो लोग अपने डेटा को अनऑथराइज्ड यूजर्स या आप यू कह लें तो हैकर से बचाने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि जैसे ही आप वीपीएन से कनेक्ट होते हैं, वीपीएन सर्वर से कनेक्ट होते हैं, तो वीपीएन सर्वर और आपके वीपीएन के बीच एक नेटवर्क बन जाता है जो कि इनक्रिप्टेड होता है, यानी लॉक्ड होता है। यानी आप इंटरनेट पे जो भी चीजें सर्च करेंगे वो वीपीएन के अलावा किसी को भी पता नहीं चलेगा, ना टेलीकॉम कंपनी को और ना ही गवर्नमेंट को। अब हम वीपीएन के प्रोस एंड कॉन्स की बात करते हैं, यानी वीपीएन के फायदे और नुकसान की बात करते हैं। वीपीएन का सबसे पहला फायदा यह है कि ब्लॉक की हुई साइट को आप ओपन कर सकते हैं। लोग इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं और गंदी साइट सर्व कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इंटरनेट पे आपको फ्री में वीपीएन मिल जाता है, आप चाहे तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे बहुत सारे वीपीएन सर्विस अवेलेबल है, आपको भी एप्लीकेशन को फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ, ये बात सच है कि फ्री वाला जो वीपीएन होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है एज कंपेयर टू पेड वीपीएन, और फ्री वाले वीपीएन में सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि जब भी हम इंटरनेट पे कोई भी चीज सर्च करेंगे तो हमारा जो डेटा होगा वो वीपीएन के सर्वर में स्टोर होगा। तो ऐसे केस में थोड़ा सा डेटा कंसर्न बन जाता है डेटा ब्रीच होने का। और वीपीएन का फायदा ये भी है कि अगर आप चाइना जाते हैं तो चाइना में तो फेसबुक बंद है, और आप वहां यूज करना चाहते हैं तो वीपीएन की मदद से आप फेसबुक को बड़े आसानी से यूज कर पाएंगे। तो ये था वीपीएन, वीपीएन की मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है। अगर आपका कोई भी सवाल है, सुझाव है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मुझे आपकी राय जानने का इंतजार रहेगा। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें, ताकि वीपीएन की सही जानकारी लोगों तक पहुंच सके। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।